नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चल दोस्तों, हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं कि 1000 स्क्वायर फुट स्लैब पे आपको स्टील निकालना है, कितना स्टील लग जाएगा, तो आप कैसे निकालोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नॉर्मली लोग 100 गज तक में जब भी आप घर बनाना चाहते हैं तो वहां पे आप स्टील निकालने की कोशिश करते हो, पता नहीं होता है कैसे निकालें। अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आप 1000 गज हो, चाहे 4000 गज हो, चाहे 1200 गज हो, आप बहुत आराम से किसी भी स्लैब का स्टील निकाल लोगे, सरिया निकाल लोगे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों स्टील अगर आप निकाल लोगे तो ऐसे में आप उसकी क्वांटिटी निकाल लोगे तो आप उसका कॉस्ट भी निकाल लोगे, आपको कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत नॉलेज होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखते रहे शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं हर एक छोटी बात और बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं कि आप कैसे स्लैब में स्टील निकालना सीखोगे। दोस्तों इसलिए मैं सीधा कॉम पेन पे लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी लोगों से जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, दोस्तों उस चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का 1 रुपये भी कॉस्ट नहीं लगता है। अगर सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों लाइक करोगे, हमें ना मोटिवेशन मिलता है दोस्तों आपके हर एक सब्सक्राइब हर एक लाइक से। तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। और दोस्तों मैं फिर और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा और मेहनत करूंगा अपनी वीडियोस पे कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो और कमेंट कीजिए दोस्तों, जो भी अच्छा लगता है वीडियो में, जो भी खराब लगता है वीडियो में उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, मुझे सुधारने का अपनी वीडियो में अच्छे करने का और मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके डिसलाइक से, आपका जो दिल करता है वो लेकिन करें जरूर दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो पे आते हैं सीधा। दोस्तों यहाँ कॉपी पेन के ऊपर हम आ चुके हैं दोस्तों, अब हम देख 1000 स्क्वायर फुट छत में कितना सरिया लगेगा इस क्वेश्चन का जवाब जानने आए हैं। तो ऐसे में जो हमारा हमने प्लॉट एरिया लिया है, आप कोई भी प्लॉट एरिया ले सकते हैं जो 1000 स्क्वायर फुट तक का है, तो ऐसे में हमने जो प्लॉट एरिया लिया है वो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा ये लिया है। और इसका स्लैब है, इसमें हमने बीम नहीं जोड़ा है कोई भी, हमने सिर्फ नॉर्मल स्लैब का लिया है। तो स्लैब में आपका कितना सरिया लग जाएगा ऐसे यहां पे सीधाई में और चौड़ाई में, कैसे कितना खर्चा लग जाएगा ये आप 1000 स्क्वायर फुट तक में ये कैसे कैलकुलेट करना है ये आप देखेंगे। हम दोस्तों जब भी आप ऐसे स्लैब लेते हो जहां 25 फुट या 40 फुट आता है या कोई भी आता है, इसकी जगह पे यहां पे 15 फुट या 30 फुट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो आपका शॉर्टर स्पैन जब भी है ना वहां, उसको हम मेन वहां पे हमें मेन बार लगाना होता है। दोस्तों शॉर्टर स्पैन में मेन बार का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप दो तरह का सरिया यूज कर रहे हो तो वहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट सरिया यूज आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इस स्लैब में 10 का सरिया यूज किया है और 8 का सरिया यूज किया है, तो आपको ऐसे में यहां पे जो शॉर्टर स्पैन है इस स्पैन में आपको 10 का सरिया यूज करना पड़ेगा, जिसका डाया मोटा है उसका सरिया आपको, वो सरिया आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये शॉर्टर स्पैन जो भी आपका आ जाता है ऐसे ऐसे जो भी लगा है सरिया, जो मतलब यहां से ऐसे 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 लगता हो जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये आपका मेन बार हो गया। और जो आपका ये लॉन्गर स्पैन है दोस्तों, ऐसे 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 लगा हुआ जो भी ऐसे 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 लगा हुआ है, तो ये जो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा यहाँ पे। तो अब दोस्तों आपको ये पता लग गया, अब हमने यहाँ पे देखो सब कुछ ले रखा है और हमें इसी के हिसाब से स्टील निकालना है। जो हमारी मेन बार में है वो हमारा 10 mm का सरिया लगा हुआ है, और दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन बार में है वो हमारा 8 mm का सरिया लगा हुआ है, प्लस हमारे जो दो सरिये के बीच में जो गैप है उस दोस्तों वो गैप जो है हमारा 4 इंची का, वो हमारा गैप है ऐसे मेन में भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी 4 इंची का गैप है। अब हम सीधा आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, बहुत आसान है दोस्तों, अगर आप एक बार ढंग से देख लोगे तो बहुत आराम से बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये हमारा लेंथ जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको गिवन कर रखा है, लेंथ जो हमारा हो गया हमारा 40 फुट हो गया, विड्थ हमारा 25 फुट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू बार्स सरिये के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा जो है यहाँ पे 4 इंची है, तो वो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो बाकी सब कुछ है वो फुट में है और ये 4 इंची में है, तो इसको हम फुट में कन्वर्ट कर लेंगे। फुट में कन्वर्ट करने के लिए 4 इंची को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 डिवाइड करने के बाद ये फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद होता है कि हमने स्टील यूज, हमने कौन कौन सा स्टील यूज किया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जो यूज किया है 8 mm का और 10 mm का सरिया यूज किया है। तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले मेन में, जो मेन का बार क्वांटिटी निकालते हैं, जो हमारा मेन जो हमारा ऐसे स्टील लगा हुआ है जो मैंने बताया आपको, जैसे कि मेन स्टील बार है, तो हम अब इसका क्वांटिटी निकालते हैं। तो अब यहां पे हम इसका क्वांटिटी जब निकालेंगे तो हम सबसे पहले दोस्तों नंबर ऑफ बार, कितने बार लगे हुए हैं यहां से लेकर के वहां तक, ऊपर तक में, नीचे से लेकर के ऊपर तक में, वो निकालेंगे। तो उसका उसको निकालने के लिए आपको कितना क्या करना पड़ेगा, लंबाई कितनी है दोस्तों हमारी 40 फुट, और दोस्तों हमारा दो सरिये के बीच में गैप कितना था हमारा 4 इंची हमारा गैप था हमारा, तो उसको हमने फुट में कन्वर्ट कर लिया, तो फुट में दोस्तों 4 इंची जो कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया 0.33। और दोस्तों प्लस 1 कर लेते हैं लास्ट में, हमारा एक सरिया बच जाता है उसके लिए, तो दोस्तों प्लस 1 कर लेंगे तो हमारी एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहां पर हमारी एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गई 122.21 नंबर्स, इतने सर इतना आप कितने बार आपके लग जाएंगे, आपके मतलब कि कुल मिला के 122 बार आपके लग जाएंगे आपके ऐसे में।
अब दोस्तों ये जो आपने कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे यहाँ पे हमने 40 फुट के क्यों लिया है, जब हमने ऐसे का निकाल रहे हैं तो ये हमने 40 फुट क्यों लिया है। दोस्तों 40 फुट हमने इसलिए लिया है कि हम निकाल तो रहे हैं ऐसे का, लेकिन जो हम ऐसे में कितने नंबर्स लगे हैं, मतलब कि 1, 2, 3, 4 कितने नंबर्स लगे हैं, कितनी दूर कहां तक लगा हुआ है वो, तो हमारा 40 फुट तक लगा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 40 फुट लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे कि अब इसमें कितनी लेंथ लगी हुई है, मतलब लेंथ से हमारा अभिप्राय दोस्तों यहाँ पे ये हो जाता है कि कितने फुट लगा हुआ है इसमें, कितने फुट लेंथ लगी हुई है। अब यहाँ पे हम नंबर तो निकल गए हमारे 122 नंबर, अब इसमें कितने फुट लेंथ लगी है, मतलब कितने फुट लगा है, तो यहाँ पे हम जब अब हमने नंबर ऑफ बार कितने हो गए 122, अब इसमें हम इसको इसकी लंबाई कितनी थी 25 फुट, 122 नंबर, मतलब कि 122 पीस हमारे सरिये यहाँ लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 करके से हमारे 122 पीस लगे हुए हैं। अब ये कितना फुट सरिया है हमारा टोटल, मतलब ये 25 फुट फिर 25 फुट, तो ऐसे कितना फुट सरिया टोटल हमारा, तो टोटल जो हमारा हो जाएगा, तो हम 122 नंबर में जब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3055.25 फीट, तो इतना फुट सरिया हमारा लगा हुआ है। तो अब इसका वेट कैसे निकालेंगे कि अब इतना फुट सरिया लगा हुआ है, कितना वेट का सरिया हमारा लग चुका है इसमें, क्योंकि दोस्तों वेट निकलेगा तभी आप एक्चुअल में क्वांटिटी को आपके पता लगेगी आपको, तो एक्चुअल हमारा जो वेट है वो हम यहाँ पे उसको निकालने के लिए दोस्तों हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं। जब हमें फुट में निकालना हो तो हम डी स्क्वायर इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 533, और नहीं तो अगर आपको मीटर में निकालना हो तो वहां पर दोस्तों हमारा फॉर्मूला हो जाता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इंटू लेंथ, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो हमें यहाँ पे फुट में निकालना है, क्योंकि हमारी जो भी यहाँ पे गिवन है यहाँ पे वो हमारा फुट में गिवन है। तो अब यहाँ पे हम जैसे कि इस फॉर्मूला में बहुत लोग पूछते हैं कि ये 533 कैसे आया, ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। अगर आपको इस फॉर्मूला का डायवर्जन जानना है तो उसके बारे में मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस फॉर्मूला का डायवर्जन भी जल्दी लेकर आऊंगा अपने चैनल पे। तो अब सीधा मैं आ जाता हूँ टॉपिक पे कि आपने इस फॉर्मूले में आपको बिल्कुल सब कुछ आपको पुट कर देना है डी स्क्वायर। अब दोस्तों हमारा जो मेन बार था हमारा, उसके सरिया की मोटाई कितनी थी हमारी 10 mm थी यहाँ पे, तो हमने डी स्क्वायर तो यहाँ पे मतलब कि डाया में डाल दिया 10 × 10 प्लस लेंथ इंटू यहाँ पे लेंथ कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूले हमारा लेंथ है, तो हमारी लेंथ कितनी थी हमारी, यहाँ पे लेंथ निकाली थी हमने, तो लेंथ जो निकाली वो डाल देंगे 3055.25, इसको डिवाइड कर देंगे 533 से। जैसे हम इसको 533 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे लेंथ आ जाता है 573.17 kg। तो इतना kg आपका 10 mm का सरिया लग जाएगा यहां से लेकर के वहां तक का। तो ये आपको पता लग गया कि यहां से लेकर वहां तक आपको कितना सरिया लग गया 10 mm का, और कितना kg सरिया लग गया। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में आपको कितना सरिया लग गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में हम ऐसे ही सेम टू सेम जैसे हमने यहां पे डाला था, वैसे ही हम यहाँ पे फॉर्मूले में फिर से हम फिट कर देंगे। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार में अब जो हमारा जो लंबाई है वो 40 फुट है दोस्तों, मगर जो सरिया आपको कहां तक लग रहा है वो 25 फुट तक लग रहा है, तो हम यहाँ पे 25 फुट को और जो हमारे बीच में दो सरिया के बीच में गैप कितना है 4 इंची है, तो 4 इंची को हमने फुट में जब कन्वर्ट किया तो वो हमारा यहाँ पे आ गया 0.33। तो 25 फुट को जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे 0.33 से, तो और प्लस इसमें 1 कर देंगे जो कि एक्स्ट्रा सरिया लेके चलते हैं हम, जो उसमें आपके लास्ट में लगता है वो नहीं इसमें ऐड होता है, तो इसके वो बाद में हम उसको प्लस 1 करके चलेंगे, तो हमारा यहाँ पे 75.75 नंबर्स, मतलब 75-76 सरिया आपके लग जाएंगे इसमें ऐसे। अब हम इसका निकाल लेंगे, ये हमारे नंबर्स निकल गए, अब हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे, कितने फिट सरिया आपके लगेगा यहां से लेकर के यहां तक में, मतलब टोटल जो आपका सरिया है, मतलब ये 40 फुट 80 फुट फिर इसका ऐसा जो 40 फुट करके जो कितना सरिया आपका टोटल लग जाएगा 25 फुट तक में, तो वो अब हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों अब वो आप निकालेंगे तो यहां पे हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 75.75 ये हमारे नंबर थे, अब इतने पीस थे सरिया के, अब इसमें हम 40 फुट एक लेंथ हमारी कितने की थी 40 फुट की थी, तो एक लेंथ को हमने 75 लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई किया तो वहां पे हमारा स्टील आ गया 330 फीट, इतना स्टील आ गया। अब इसी से हम वजन निकाल लेंगे बहुत आराम से, वजन निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला आपको यहां भी अप्लाई करना है जो कि आप फीट में आपने ऊपर अप्लाई किया था। जैसे ही आपने यहाँ पे डी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय 533 ये फॉर्मूला जैसे ही पुट किया तो यहां पे आपने डी स्क्वायर, तो दोस्तों जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार का लेंथ थी हमारी और डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो मोटाई थी हमारी वो 8 mm थी हमारी, तो मोटाई 8 mm थी, तो यहां पे हमने 8 डी स्क्वायर था फॉर्मूला, डी स्क्वायर में हमने 8 × 8 और लेंथ जो स्टील की लंबाई थी वो हमारी 3030 फीट थी, तो वो हमने डाल दी और डिवाइडेड बाय 533। जैसे ही हम इन सारे का कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 363.82 kg, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा।
इतना केजी आपका स्टील आपका लग जाएगा। अब वो बात आ जाती है कि टोटल स्टील कितना हो गया, तो टोटल हमारा स्टील हो गया 1000 स्क्वायर फुट में, वो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो हमारा जो हमने ऊपर मेन बार का क्वांटिटी निकाली हमने 573.17 केजी, उसके बाद हमने निकाला यहां पे 363.82 केजी। अब इन दोनों को हमने जैसे प्लस किया तो हमारी क्वांटिटी आ गई, नेट क्वांटिटी आ गई 937। तो हमारी नेट क्वांटिटी आ गई यहां पे हमारी 937 केजी। ये आप इतना इतना स्टील आपको लग जाएगा 1000 स्क्वायर फुट आपके स्लैब में। इस हिसाब से आप किसी भी स्लैब में, आप चाहे 1000 स्क्वायर फुट हो चाहे आपका 1200 स्क्वायर फुट हो, आप इस हिसाब से बहुत आराम से किसी भी स्लैब में निकाल सकते हो। और अगर आपको जानना है कि मीटर में कैसे निकालना है स्लैब की क्वांटिटी, सरिया क्वांटिटी, तो वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं उसमें भी निकाल के बता दूंगा जो कि इस फॉर्मूले से होगा। अगर आप निकाल लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं निकाल पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, मैं उसमें भी निकालना आपको बताऊंगा। तो आप, आपको पता लग गया कि आपको लगभग कितना क्वांटिटी आपको निकालना है। इस फॉर्मूले से आप कभी भी अपने स्लैब का स्टील निकाल सकते हो। तो ऐसे में आपका हो सकता है कि स्टील ऊपर नीचे भी लगा लगे, किसी स्लैब में 8 का यूज हो रहा है, किसी स्लैब में दोनों सरिया 10 के यूज हो रहे हैं, तो आप इन्हीं फॉर्मूले, इन्हीं सब कुछ, इसी मेथड से बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें दोस्तों, हर एक लाइक हर एक डिसलाइक आपका बहुत हमारे लिए अहमियत रखता है। और दोस्तों नए हैं तो प्लीज हाजिर को रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो आते हो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत दिल दुखता है दोस्तों, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, जल्दी मिलता हूं अगली और बहुत ज्यादा नॉलेजफुल वीडियो में।